बच्चे आज हम लोग क्लास में डिफरेंट फाइला डिस्कस किए थे, एनिमल किंगडम के डिफरेंट फाइलम देखे थे मैंने। आप लोगों को कंट्रास्टिंग करेक्टर बताया कि कैसे कैसे आपने देखना, कॉम्परेटिव आप लोग देखोगे फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या आता है, ये आ गया फीचर्स, आगे ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, सिमिट्री देखनी है, जर्म्स लेयर देखनी है बच्चे, ठीक है। तो जब आप लोग ये सब देख लोगे तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग किसकी किसकी बात करेंगे, जैसे फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है, फाइलम सिलियंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा, ठीक है बेटा। अब इसमें सेलुलर टिश्यू, टिश्यू ये कॉमन चीज़ें हैं, आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छे से बताई हैं, ठीक है बच्चे। इसमें आपको किस पे ध्यान देना है, इस पे आपको यूनिक फीचर पे ध्यान देना है। तो यूनिक फीचर जो है बेटा वो आपको कितना देखना है, देखो जो यूनिक फीचर है, जैसे हम बोलते हैं कि कोरल वाटर, ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है इसमें, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन होगी। दूसरा क्या देखोगे, ऑस्टिया माउथ की तरह एक्ट करेगा, मिलियंस ऑफ ऑस्टिया प्रेजेंट होंगे। स्पंजोसील्स प्रेजेंट है इसमें, कैविटी, कोनोसाइट सेल्स हैं, कॉलर सेल्स जिनको बोला जाता है, बॉडी स्पिक्यूल से बनी है। यही चीज़ आप लोग इसमें देखोगे, यही चीज़ आप सिलियंट्रेटा में देखोगे, वहाँ पर टेंटिकल विद नीडोब्लास्ट, टेंटिकल्स होंगे और नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होंगे। दूसरा यहाँ पर स्पंजोसील है, यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, सिलियंट्रॉन भी उसको बोल सकते हैं, विद सिंगल ओपनिंग दैट इज नॉन एज हाइपोस्टोम्स। पॉलिप्स एंड मेडूसा आर फॉर्म्ड सीन, पॉलिप्स और मेडूसा आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगे। पॉलिप्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और मेडूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। सम शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दैट इज नॉन एज मेटा जेनेसिस, कोरल्स हैव स्केल्टन CaCO3। कोलन्स के पास जो स्केल्टन सिस्टम होता है कोरल्स के पास, वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है बच्चे। देखो हाइड्रा, ओबिलिया, एरिलिया, पाइशिलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वार, एडिम्सिया, सी एनिमोन, पेनेंटोला, सी पेन, गॉर्गोनिया, सी फैन एंड मेडेंड्रीना ब्रेन कोरल। तो बच्चे आपको ये एग्जांपल सभी को याद रखनी है सिलियंट्रेटा की, जो आपकी एग्जांपल्स हैं ये नीट में आती हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर आपके बोर्ड में आते हैं, यूनिक फीचर। साइकॉन जो है आपका पॉरीफेरा की एग्जाम्पल है, स्पंजिला फ्रेश वाटर स्पंज, यू स्पंजिला बॉथ स्पंज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। अब आप लोग देखोगे प्लेटी हेलमेंथिस के केस में लोकोमोशन बाय 8 रो दैट इज कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट से मूव होगा, टेंटिकल्स आर प्रेजेंट शो दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। ये कौन सा है, पॉरीफेरा, दैट इज टीनोफेरा, टीनोफेरा, ठीक है। तो बायोल्यूमिनेसेंस क्या होते हैं, लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इसकी दो इम्पॉर्टेंट ये एग्जाम्पल जो है आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, टीनोप्लेना एंड प्लीरोब्रोंका, ये दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चे। देखो यहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम किस में, पॉरीफेरा में प्रेजेंट होता है, ऑस्टिया और स्पंजोसील इसमें याद रखना। हार्मोफ्रोडाइट मोनोशियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल पे दिखेंगे। टेंटिकल्स जो हैं वो हाइड्रा में दिखेंगे, जो फाइलम्स किसके अंडर आता है, सिलियंट्रेटा के अंदर होता है। नीडोब्लास्ट सेल्स आपको नीडोसाइट्स जिनको हम बोलते हैं, स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं, ये कहाँ मिलेंगे आपको, मिलेंगे आपके सिलियंट्रॉन्स में। और इसका फंक्शन क्या होता है बच्चे, पॉइजन फील्ड कैप्सूल कॉल्ड नेमेटोसिस्ट भी बोलते हैं, नीडोब्लास्ट यूज्ड एंकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ फूड, ठीक है। पॉलिप्स एंड मेडूसा हम लोगों ने देखा, पॉलिप्स एंड मेडूसा क्या होता है बच्चे, पॉलिप्स एंड मेडूसा टू टाइप्स नाइडेरियंस है। पॉलिप्स ट्यूबुलर अटैच एसेक्सुअली फॉर्म अपवर्डली डायरेक्टली माउथ टेंटिकल दैट इज नॉन एज हाइड्रा एडेंसिया। मेडूसा अम्ब्रेला लाइक थ्री सेक्सुअल फॉर्म डोनवर्ड डायरेक्ट माउथ एंड टेंटिकल दैट इज अरेलिया, ठीक है बेटा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम लोग मेटाजेनेसिस बोलते हैं, कहने का मतलब है बच्चे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हो। जैसे हमारे पास पॉलिप्स एसेक्सुअली बनाएगा मेडूसा और मेडूसा सेक्सुअली बनाएगा पॉलिप्स, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है बच्चे। एग्जांपल क्या देंगे, ओविलिया क्या है, पॉलिप से बनता है सेक्सुअली और एरिलिया बनता है एसेक्सुअली, ठीक है। देखो बायोल्यूमिनेसेंस इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सम एनिमल टू इमिट लाइट फ्रॉम द बॉडी,
ठीक है, ये डायग्राम है, ये नीडोब्लास्ट सेल है, ये मेडूसा, ये पॉलिप्स। देखो बच्चे, अब हम देखेंगे तीन फाइलम हमने डिस्कस कर लिए। अब ये रहते हैं हमारे पास फाइलम, ये जैसे हमारे पास आता है फीचर यहाँ पे हैं, फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस, फाइलम एस हेलमेंथिस, एनेलिडा, ठीक है। एनेलिडा में सेगमेंटेड बॉडी होती है, एस हेलमेंथिस राउंड वॉर्म, प्लेटी हेलमेंथिस फ्लैट वॉर्म, आर्थ्रोपोडा जो होता है बच्चे इसमें क्या होती है, जॉइंटेड लेग्स होती है, ठीक है बच्चे। अब इसमें आप लोग बेसिक चीज़ें सभी जानते हैं, हमने क्या देखना है, यूनिक फीचर और इसकी एग्जांपल्स देखना। यूनिक फीचर बच्चे आप लोग देख सकते हैं, प्लेटी हेलमेंथिस कैसा होता है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन बाय फ्लैम सेल, तो इसके जो डिफाइनिंग सेल्स हैं वो कौन से हैं, फ्लैम सेल जिनको प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं, हुक और सक्कर इसमें प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल टीनिया सोलियम टैप वॉर्म, फेशुला लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया शो हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। कोई पार्ट अगर उसका टूट जाता तो वो जल्दी से रिकवर हो जाता है, प्लेनेरिया की हाई रिजनरेशन पावर कहते हैं। सेम एज दैट बॉडी सर्कुलर एंड क्रॉस साइनिशियल सेल्स होते हैं इसमें, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है बच्चे कि जो मेल होता है, जो मेल होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा देन फीमेल, फीमेल जो होगी वो लार्ज होगी। एग्जाम्पल एस्केरेसिस राउंड वॉर्म, एंक्लोस्टोमा, हुक वॉर्म, विचेरिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपकी उसकी एस हेलमेंथिस। एनेलिडा के पास देखिए, रेस्पिरेटरी आर्गन तो नहीं होता, बाकी इतनी स्किन से करेगा या गिल से करेगा, ठीक है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ठीक है बच्चे। पैरापोडिया नेफ्रिडिया लोकोमोशंस के लिए प्रेजेंट है इसके पास, नेफ्रिडिया एक्सक्रीशन सीटे पैरापोडिया सर्कुलर मसल लोकोमोशन, ठीक है। फेरेटिमा अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम, हार्डेनेरिया लीच का साइंटिफिक नेम, नेरीज, ठीक है, कॉलिपिंड्रा का साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट आता है जिसको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम आर्थ्रोपोडा, ओवीपेरस होते हैं, एगलिंग और कुछ वीवीपेरस भी होते हैं, न्यू यंग उनको बर्थ देते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं, थ्री रीजन्स में बॉडी डिवाइड होती है, हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन, बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनेशियस क्यूटिकल्स एक्सोस्केलेटन, एक्सक्रीशन बाय मालपिजनियम ट्यूब्यूल्स, सेंसरी ऑर्गन्स आर एंटीना कंपाउंड एंड सिंपल आई, स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बच्चे देखो इसमें क्या होता है, जैसे आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है हनी बी, तो हनी की प्रोडक्शन के लिए हमें बीज का रिक्वायरमेंट होता है, तो कुछ इंसेक्ट जो हमारे इकोनॉमिकल वे में भी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है बेटा। डाइशेस सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आर्थ्रोपोडा, यहाँ तक आपने ये चीज़ें रिवाइज करनी है कल के लिए, ठीक है, थैंक यू। यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।